डर, थोड़ा सा डर लग रहा है मेरे को, मुझे मम्मी की याद आ रही है। 4800 रुपये का चश्मा दिया भैया ने। किस्मत हो तो ऐसी भाई, ऐसी किस्मत किसी किसी को मिलती है। तेरा जिक्र भी नहीं करना है ना, तेरा जिक्र करना है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सभी ज़िंदगी की मौज ले रहे होंगे। और फिलहाल अभी मैं निकला हूँ घर से और आज हम जा रहे हैं नैनीताल की तरफ। फिलहाल तो मैं अभी हूँ अकेला, बट हमारे एक मित्र है लालकुआ से जो अभी डायरेक्ट आया है खड़ीमा से। वो पहुँच चुका है खड़ीमा से लालकुआ सुबह सुबह, और फिलहाल रवि भाई को पकड़ते हैं और रवि भाई से भी मिलाते हैं आपको। उन्हें लगा फाटक यार, लालकुआ आओ और आपको फाटक नहीं मिले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता गाइस। ये देखिए काफ़ी जाम लगा हुआ भाई, ये देखिए मेरे हाथे खुल गया यार। किस्मत हो तो ऐसी भाई, ऐसी किस्मत किसी किसी को मिलती है कि आते ही फाटक खुल जाए या फाटक लगा ही ना हो। ये है लाल कुआ की मार्केट, अभी फिलहाल तो अभी खुली नहीं है, काफ़ी दुकानें बंद है क्योंकि समय हो रहा है सुबह के 8। अभी देखो रवि भाई कितनी गालियाँ देते हैं हमें, क्योंकि 20 से 25 बार कम से कम उसका कॉल आ गया लाल कुआ पहुँचने के बाद। रवि भैया कमज़ोर हो गया कहा। अरे आजकल थोड़ा डाइटिंग में होना भाई, चल झूठ। पहले तो आप वहाँ पे लगाते थे ना भैया? तो गाइस हम वापस से आ चुके हैं भैया जी की दुकान में गॉगल्स लेने। इससे पहले हम गए थे नैनीताल, 5 गॉगल्स लेके गए थे यहाँ से। सो गाइस अभी हम है नैनीताल रोड नैना गांव के पास, तो हम रुके थे एक दादा के यहाँ पे, वहाँ पे मीट चावल मिलता है, काफ़ी फेमस है ये। हमने ले लिए मैगी और अभी आ रही है अपनी चाय और ऑमलेट। तो कुल मिला के पहाड़ों में मैगी का जो मज़ा है ना भाई साहब, वो अद्भुत है। और हमारे कैमरे के पीछे रवि भाई सामने आने से थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि वो कह रहे हैं तुझे पब्लिसिटी मिल जाएगी, कोई बात नहीं। तो फिलहाल लेते हैं मैगी का मज़ा और उसके बाद मिलते हैं गाइस सीधे नैनीताल में। तो गाइस फाइनली अपनी एंट्री हो चुकी है नैनीताल में, द सिटी ऑफ लेक्स। सामने देखिए भाई क्या सुंदर सी लेक, और लोग मस्त बोटिंग के ले रहे मज़े, हम भी लेंगे बोटिंग के मज़े। इसमें कितने का मिलेगा? किसमें? अलका में। अलका में तो जो 3400 से शुरू है। हाँ कितने का देख रहे हैं? हम थोड़ा अच्छा होटल देख रहे हैं ना। कितने तक का? 4-5 हज़ार। हाँ बैठिए आप, जाइए अच्छे से देखना भाई। अभी फिलहाल हमें ये एक अंकल जी मिले हैं जो हमको होटल का रूम दिखा रहे हैं, तो वो अंकल जी को लेके गया है। और आप ये सामने के ये नज़ारे देख लीजिएगा, इसके आप बेहतरीन से नज़ारे हैं। सो फाइनली रवि राउत को आ चुका है रूम पसंद, तो फिलहाल हम भी जाते हैं देखते हैं कौन सा रूम उसने पसंद किया है। और अभी मेरे को थोड़ा सा घूम के आना पड़ेगा ऊपर से, क्योंकि उस रोड में है वो, और उसके बाद रूम पर करेंगे चेक इन। आज यहीं होगा स्टे नैनीताल में। लिफ्ट नहीं गया सांस उल्टी भाई। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं नैनीताल, और आज का स्टे हमारा नैनीताल में होगा रवि भाई के साथ जो आए हैं खड़ीमा से नैनीताल घूमने। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा रूम का टूर करवा देता हूं जो रूम हमने बुक किया है, तो आइए गाइस लेट्स सी। सो गाइस कुछ इस तरीके से अपना रूम, और ये सामने आते ये है वॉशरूम, और ये देख लीजिए ये है मिरर लगा हुआ है यहाँ पे एक बढ़िया सा, और ऊपर जो देख सकते हैं आप क्या बढ़िया ये वुडन से बनाया। और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे ये क्या बना रखा है, इसमें ना आदमी जा सकता है ना आ सकता है, बढ़िया बनाया हुआ है। ये लगा हुआ है सामने टीवी जिसमें हम शाम को देखेंगे आईपीएल। जो मेन चीज़ रूम की है ना, जो मेन अट्रैक्शन है जो अपने को पसंद आया वो गाइस वो है इस पर्दे के पीछे। एक बार आप यहाँ से ये नज़ारा देख लीजिए, जो सामने का व्यू यहाँ से आ रहा है ना भाई साहब अल्टीमेट है। ये देखिए नीचे है सड़क और सामने देखिए लेक और सामने बड़ी बोटिंग, गाइस क्या बेहतरीन नज़ारा है यार ये। तो यहाँ पर बैठेंगे मस्त चाय की चुस्कियों के साथ, ये सामने का नज़ारा इन्जॉय करेंगे। सो गाइज़ यही अपना आशियाना जहाँ आज हम करेंगे स्टे, और कुछ ही देर में यहाँ से निकलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं नैनीताल में कुछ न्यू प्लेसेस जहाँ हम अभी तक गए नहीं है। मस्त सी धूप खिली है लेकिन गर्मी बिल्कुल नहीं हो रही भाई साहब यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे अलग अलग साइकिल्स रखी हुई है, रेंट पे जाती है, लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। सो गाइज़ ये देखिए एक हेलमेट रख दिया मैंने अंदर, और एक हेलमेट हमने यहाँ लटका दिया ताकि ये निकले ना, तो हमने किया है ये देसी जुगाड़ और इसको भी कर लेते हैं लॉक। आइए जब भी आप जू में आइए रेखा जी भुट्टे भुट्टा वाली जी के पास आइए, और यहाँ पे आके भुट्टे का आनंद लीजिए गाइस, और हम भी आएंगे अभी
घूम के उसके बाद क्या खाएंगे। ठीक है आंटी जी, ओके मेरे जी, ओके। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जू पे। थोड़ा सा पैदल चल चल के हालत खराब हो चुकी है, बस हवा निकल गई। और सामने रवि भाई ले रहे हैं टिकट और उसके बाद करते हैं अंदर एंट्री। ये सामने देखिए बड़ा सा लिखा हुआ है जू। ये आ चुके रवि भाई टिकट लेके। कितने का पड़ रहा भाई टिकट? 100 रुपीज। तो भाई ने पैसे खर्च किए हैं यार, बहुत बड़ी बात है। सामने जो केज है उसमें भी आपको दिखेगा बंगाल टाइगर, और उसके अंदर आपको मिलेंगे 2 बंगाल टाइगर। होप करते हैं कि वो सब नज़दीक नज़दीक में हो ताकि हम उसको कैप्चर कर पाएँ। तो अभी जाते हैं और दिखाते हैं आपको। यहाँ पे 2 टाइगर है और काफ़ी बेहतरीन है भाई साहब, एकदम हेल्थी। एक तो ये देखो आ रहा करता है, और एक भाई साहब कैसा लगा भाई टाइगर पहली बार देख के? डर, थोड़ा सा डर लग रहा है मेरे को, मुझे मम्मी की याद आ रही है। ये देखा गया भाई, इसको जरा क्लोज लुक दिखाओ भाई। देखिए भाई साहब, ओह माय गॉड, और एक गजब कहर चाल देखी ना, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई कौन उसे देख रहा है, उसको अपनी मस्ती में चल रहा हो। सो गाइस अभी हम पहुंच गए नेक्स्ट केज में और देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा इसके अंदर क्या है। बकरी है नहीं? सामने पढ़ लेना भाई, हिमालयन गोरिल्ला। कोई हिंदी में तो बकरी हो, क्या बोला तूने? थोड़ा नदी का ये। सो गाइस फिलहाल अभी हम पहुंच चुके जू के टॉप में, और जू के टॉप में है गुलदार। और लास्ट टाइम भी जब मैं आया था तभी भी ऊपर वो सोए हुए थे और अभी भी सोए हुए हैं। पता नहीं कितना सोते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इन्होंने तो मेरा भी सोने का रिकॉर्ड तोड़ रखा भाई साहब। हम बड़ी उम्मीद लेके आए थे कि गुलदार देखेंगे, बट वो वहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। कैमरामैन रवि के साथ रिपोर्टर राहुल, आप बने रहिए, आपको बेहतरीन बेहतरीन नज़ारे आज देखने को मिलेंगे गाइस नैनीताल के। तो पीछे है गुलदार सोया हुआ, तो थोड़ा सा हल्के से। सो गाइस फिलहाल अभी हम घूम रहे हैं जू के अंदर, और जब मैं लास्ट टाइम जू में आया था तो एक मेरे को जू के अंदर ही एक मंदिर दिखा था। तो फिलहाल अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं, फिलहाल मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, उसके बाद जू से निकलते हैं। मैं जू के अंदर, और जू के पास में एक मंदिर है, बहुत ही प्राचीन श्री गंगनाथ जी का मंदिर। तो फिलहाल अभी दर्शन करते हैं और उसके बाद मिलते हैं गाइस। हमने कर लिया मंदिर में दर्शन और फिलहाल दर्शन करके निकल चुके हैं, और जू में अभी कुछ कुछ और देखना रह गया है, वो देखते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं अगली डेस्टिनेशन क्या है। सामने आप देख सकते हैं गाइस, इसका नाम है मारखोड़। अगर इसकी हम बात करें इसकी पहचान की, तो इसके चेहरे पे होती बड़ी सी दाढ़ी और घुमावदार सिंह। तो ये दुनिया की जो है सबसे पर्वतीय बकरी है। आप सामने देख सकते हैं, जैसे कैमरामैन आप दिखा पाए, जैसे वो देखिए भाई साहब। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है वाइट पीकॉक इसका नाम है। और भाई साहब क्या बेहतरीन लग रहा है यार ये, थोड़ा सा क्लोज से दिखा दीजिए सर आप। सो गाइस फिलहाल अभी हमने घूम लिया पूरा नैनीताल जू, फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। और एक बार यहाँ से आप नज़ारे देख लीजिए, सामने है लेक और छोटी छोटी बोटें दिख रही है भाई, लोग बोटिंग कर रहे हैं। और आज तो हमें कैमरामैन भी मिले हैं, तो सामने से बोलने में जो अच्छा लग रहा है ना, एकदम नज़ारों के बीचों बीच गाइस। आज हमने रवि भाई को शेर दिखाया, यहाँ पे लेपर्ड दिखाया, माउंटेन बियर दिखाया हमने, तो रवि भाई को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अभी हमें हिमालयन व्यू पॉइंट पे, और काफ़ी बेहतरीन नज़ारे यहाँ से। और अपने जो रवि भाई है वो कर रहे घुड़सवारी, अभी वो घोड़े में बैठ के कहीं गए हैं। सो गाइस जैसा मैंने आपको बताया था, हमारे रवि भाई कर रहे घुड़सवारी, तो फिलहाल अभी आ चुके हैं वो घुड़सवारी करके। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए रवि भाई को घुड़सवारी करते हुए, मज़ा आ रहा नहीं? A few inches later. So guys, अभी हमें नैना देवी जलकुंड में, और ये है मेन नैनीताल से कम 8-10 किलोमीटर आगे। हम ये न्यू प्लेस जो है ये एक्सप्लोर करने आए हैं। यहाँ पे एक छोटी सी लेक है, वो हम आपको दिखाते हैं। और भाई साहब क्या बेहतरीन नेचर, चारों तरफ सुनसानी, और काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइस। तो अंदर जाते हैं और दिखाते हैं आपको लेक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े लोगों के लिए 50 रुपये, तो 50-50, और रवि का तो 25 ही लगेगा। अभी हम पहुंच चुके हैं नैना देवी जलकुंड में, और हमने ले ली टिकट। यहाँ पे आने की एंट्री फीस है 50 रुपीज़, राइट? और वो वॉर्थ इट है या नहीं है वो तो अभी हम जब घूमेंगे उसके बाद पता चलेगा। यार सुंदर से नज़ारे हैं यार, क्या यार क्रिएटिविटी कर रखी है यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है। मतलब छोटी सी जगह में है बट काफ़ी सही बनाया हुआ है। और आप सामने देख सकते हैं, ये है महर्षि वाल्मीकि जी, और ये सामने है निषाद, और आप सामने देखिए ये है 2 हंसों का जोड़ा। और यहाँ पे जो कहानी है कुछ इस तरीके से है, वाल्मीकि जी जो है वो एक दिन ऐसी वॉक पे जा रहे थे, और उन्होंने देखा कि जो ये निषाद है वो अपने धनुष से 2 हंसों के जोड़े को मार रहा था। जो ये महर्षि जी अभी उस निषाद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि रुको बालक, ये गलत चीज़ है, हंसों को मत मारो। तो काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट बनाया है, 10 किलोमीटर दूर है नैनीताल से, आइए और देखिए और इन्जॉय कीजिए। क्या सुंदर से फूल खिले हैं,
ब्रॉन्स के, ये देखिए वो नीचे भी खिले हुए हैं ब्रॉन्स के फूल। तो ये देख लीजिए रोड के उस तरफ इस तरफ दोनों तरफ ब्रॉन्स के फूल खिले हुए हैं। तो गाइस फिलहाल अभी हम हैं नैनीताल में, बज रहे हैं शाम के 5 और हम हैं नैनीताल की झील के बीचों बीच गाइस, और अभी हम ले रहे हैं बोटिंग का मजा। सामने हमारे रवि भैया, रवि भैया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अभी भी हमारी चल रही है बोटिंग और काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई साहब, मस्त से धूप खिली हुई है, सन सेट होने वाला है और बेहतरीन से नज़ारे, कुल मिला के बहुत मज़ा आ रहा है। और ये सामने हमारे अंकल जी जो हमें बोटिंग करा रहे हैं। अंकल जी कितना टाइम हो गया आपको? 30 साल हो गया। 30 साल से आप करा रहे बोटिंग? अरे गजब। तो इसी कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं? हाँ फिर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, लाइसेंस भी बनता है इसका पक्का हुआ है। कहाँ आप? यहीं लोकल के ही है? अल्मोड़ा के भैया। अच्छा अल्मोड़ा के आप? बढ़िया। बाल मिठाई? हाँ बाल मिठाई, बाल मिठाई फेमस है अल्मोड़ा की तो। One hour later. So guys, अभी हम नैनीताल की मार्केट में और यहाँ पे है सोनम मोमो वाले, नैनीताल के सबसे फेमस मोमो मिलते हैं यहाँ पे, और अभी हम लाइन पे लगे हैं भाई साहब मोमो के लिए, तो अभी देखते हैं कब आ रहा अपना नंबर। तो यहाँ पे है ये मटन मोमो और सामने मिलते हैं भाई साहब नैनीताल के बेस्ट मोमोज की मैं बात कर रहा था, वो मोमोज हमारे पास आ चुके हैं। नैनीताल के नहीं, पूरे उत्तराखंड में काफ़ी फेमस है नैनीताल के मोमो, जो भी नैनीताल आता है तो हर कोई टेस्ट करके जरूर जाता है, भले वो वेज हो या भले वो नॉन वेज हो, वो मोमोज जरूर खाते हैं। और हमने ले लिए मोमोज, एक बार आप देख लीजिए क्या बेहतरीन, आप देखिए ना जो अंदर स्टफिंग है वही काफ़ी बढ़िया की गई हुई है और खाने में तो लाजवाब। तो हम खा गए, टेस्ट करके बताते हैं, वैसे तो मैंने पहले भी खाए हैं तो अच्छे होते हैं, हमें पता है। फिलहाल अभी हम हैं ठंडी सड़क पे और पीछे आप देख सकते हैं मेरे लेक, और अभी भी भाई साहब बोटिंग चल रही है। अभी शाम के बज चुके हैं 6:30 लेकिन लोग अभी भी बोटिंग एंजॉय कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं नैनीताल में बोटिंग का क्रेज़ कितना है। फिलहाल अभी हम आ चुके हैं अपने रूम पे और रूम पे बैठ के मस्त करके IPL देख रहे थे, तभी नीचे से एक सिंगिंग की आवाज़ आई, तो और मैंने खिड़की से नीचे देखा तो वहाँ नीचे एक बुजुर्ग अंकल थे, काफ़ी बेहतरीन सिंगिंग कर रहे हैं। एक बार मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, सामने एक बुजुर्ग अंकल जी है, वो काफ़ी बेहतरीन सिंगिंग कर रहे हैं भाई साहब, इस उम्र में भी इतना बढ़िया गाना गा रहे हैं, और देखिए कितने लोग आते जाते हुए उनको सुन रहे हैं। नीचे जाते हैं और नीचे जाके अंकल जी से मिलते हैं और आपको थोड़ा सा लाइव सिंगिंग भी सुनाते हैं गाइस। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और नैनीताल की सड़कों पे हम कर रहे हैं साइकिलिंग, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और साइकिलिंग करने का जो मज़ा आ रहा ना भाई साहब वो अल्टीमेट है। बगल में लेक और लेक के बगल में हम कर रहे हैं साइकिलिंग। तो फाइनली अंकल मान गए हैं 250 में। ओरिजिनल लिया है भैया, ओरिजिनल प्राइस बताओ इनको, ये हल्के में ले रहे हैं। 4800 का चश्मा लिया है भैया ने, अभी डब्बा भी देंगे भैया हमें।